कप्तान ने लाहौर की अहम पिच पर दो मंझे खिलाड़ी दिए उतार, तीसरे का इंतजार। चौधरी परवेज इलाही स्पीकर, चौधरी सरवर बनेंगे पंजाब के गवर्नर। एक मजबूत अपोजिशन के खिलाफ खेल मजीद दिलचस्प हो गया। परवेज इलाही के पास वजारत आला का भरपूर तजर्बा, चौधरी सरवर पहले भी गवर्नर रह चुके। पीटीआई चेयरमैन की जानिब से दोनों की बाज़ाबता नामजदगी। इमरान खान 18 अगस्त को वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे, फैसल जावेद की तस्दीक। परवेज इलाही के मुकाबले पर उम्मीदवार लाने के लिए लीगी कायदत के भी सलाह मशवरे। नून लीग के स्पीकर पंजाब असम्बली और डेप्टी स्पीकर के लिए हलीफ जमातों से राबते। नून लीग की पंजाब में पार्लियामानी पार्टी का इजलास इतवार या पीर को बुलाए जाने का इम्कान। ऑफशोर कंपनी आमदन से ज्यादा असासे बनाने का इल्जाम, अब्दुल अलीम खान नैब में पेश, बोले इदारों को मजबूत बनाएंगे, नैब जब भी बुलाए आऊंगा। मेरे खिलाफ नैब में दरखास्त आयाज सादिक के कोऑर्डिनेटर मौजूदा मेयर लाहौर ने दी। वजीर आला पंजाब बनने की कोई ख्वाहिश नहीं, इमरान खान जो फैसला करेंगे दिल से कबूल होगा। कंपनीज स्कैंडल और ऑरेंज ट्रेन की तहकीकात में नया रुख, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले प्राइवेट अफराद की तायुनातियों का केस भी खुल गया। एलजीए में तायुनाती प्राइवेट अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू, नैब ने 16 अगस्त को तलब कर लिया। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी पर पीएसएल में मुबैना करप्शन का इल्जाम, तहरीक इंसाफ का तहकीकात का मुतालिबा। रहनुमा पीटीआई जावेद बदर ने नैब को खत लिख दिया। सीईओ निशाद चूनिया मिल्स शहजाद सलीम हाजिर हों, नैब ने फवाद हसन फवाद के बयान पर शहजाद सलीम को 13 अगस्त को तलब कर लिया। निशाद चूनिया मिल्स मियाँ मंशा की मिल्कियत है। किसने कितना माल बनाया पुलिस अफसरान को भी बताना होगा, पुलिस अफसरान के असासों की छानबीन का फैसला। आईजी पंजाब ने तमाम अफसरान से रिकॉर्ड मांग लिया, पुलिस सर्विस में आने से पहले और बाद की जायदाद की तफसीलात देने का हुक्म। चौदह अगस्त को यौम आज़ादी न मनाने का बयान, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के खिलाफ अंदराजे मुकदमा के लिए सेशन कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने एसएचओ मॉरल टाउन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। खौफ न तर्स ना ही हाथ कांपे, बादामी बाग में सौतेली मां ने ममता का गला घोंट दिया, 3 साल कली मसल डाली। फायका ने मरियम का गला काट दिया, कातिला शौहर की तीसरी बीवी थी। फायका कार्रवाई के बाद मौका से फरार, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। ताजबाग में तेज रफ्तार पुलिस वैन शहरियों पर चढ़ गई, हादसे में 6 अफराद जख्मी, वाकये पर शहरी मुश्तैल, पुलिस की गाड़ी का घेराव, तोड़फोड़ की कोशिश, एहलकारों के साथ हाथापाई, पुलिस मोबाइल का ड्राइवर नशे में था, ऐनी शाहिदीन का इल्जाम। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत के शाहाना अखराजात, लाहौर न्यूज की खबर पर ऑडिटर हुकाम इन एक्शन, शाहाना अखराजात और तोहफे तहायत का स्पेशल ऑडिट करने का फैसला। महकमा खजाना पंजाब से साबिक दौरे हुकूमत में होने वाले अखराजात की तफसीलात तलब, साबिक दौरे हुकूमत में 45 करोड़ रुपए सालाना इजाफी खर्च हुए।
अल्लाह का शुक्र है चोर लुटेरे हुक्मरानों से निजात मिली। शहबाज शरीफ ने 10 साल ड्रामा किया, आवाम को साफ पानी तक न दे सके। इंशाअल्लाह दयानतदार लोगों को जिम्मेदारियां देंगे जो आवाम के लिए काम करेंगे। डॉक्टर मुराद रास का पीटीआई उलमा विंग की यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। पैफ पार्टनर स्कूलों को फंड्स की अदम अदायगियों का मामला, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने एहतजाज की हिकमत अमली तैयार कर ली। सदर एप्सा शब्बीर हाशमी कहते हैं फंड्स की अदम अदायगी से तालीमी निज़ाम तबाही के दहाने पर पहुंच चुका, 17 अगस्त तक अदायगियां ना की गईं तो पैफ ऑफिस के बाहर धरना देंगे। हुकूमत बल्दियाती इदारों पर मेहरबान, यूनियन काउंसिल्स के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया। शहर समेत पंजाब भर की यूनियन काउंसिल्स के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए, हर यूनियन काउंसिल को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। लाहौर फतह करने की जंग, बड़े बड़ों की जमानतें जब्त, 1/4 वोट ना लेने पर 160 उम्मीदवारों में से 121 की जमानतें जब्त, सिर्फ 28 उम्मीदवार ही महफूज रह पाए। जाइम कादरी, लियाकत बलोच, समीना खालिद तुर्की, जवाद अहमद और आजासम शरीफ की भी सिक्योरिटी जब्त। कौमी असम्बली के हर उम्मीदवार ने 30,000 रुपये सिक्योरिटी जमा कराई थी। अंगूरी स्कीम में लीगी रहनुमाओं की इंतखाबात में कामयाबी पर जोहराने का अहतमाम, अली परवेज मलिक, बाऊ अख्तर, माजिद जहूर, खुरम रोहेल असवर समेत दीगर की शिरकत। लीगी रहनुमा बोले आवाम की मोहब्बत का जवाब तरक्याती कामों से देंगे, पहले भी आवाम की खिदमत की, अब भी ये मिशन जारी रहेगा। दरख्त लगाना सदकाए जारिया है, शहर भर में शजरकारी मुहिम जारी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम अहमद खान ने हयाता अदालत में बरगद का पौधा लगाया, शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अहमियत पर जोर दिया। फ्लैटिस होटल में कौमी यौम अकलियत की मुनासबत से कन्वेंशन, समाजी अकलियती और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। मेयर लाहौर बोले इंसानियत तमाम मजाहब की बुनियाद होती है, हमारे मुल्क में बहुत कुछ हो चुका, आए मिलकर इसको खत्म करें। कैथेड्रल चर्च में कौमी कमीशन बराए बैनुल मजाहब के जेर अहतमाम कॉन्फ्रेंस, मुकर्ररीन का अमन भाईचारे को फरोग देने पर जोर। बड़ी इससे काबिल बड़ी खुशखबरी, डेंगी वर्कर्स की सुनी गई, महकमा खजाना ने इससे काबिल तनख्वाहें और बकाया जात जारी करने की मंजूरी दे दी। ईद कुर्बान की आमद, शाहपुर कांजरा मंडी में काले बादल की धूम, शाहपुर कांजरा में एक से बढ़कर एक सोना जानवर, कीमतें भी आसमान पर, मंडी में खरीदार कम, जानवर देखने वाले ज्यादा। स्पॉट फिक्सिंग का केस, शहजेब हसन की सजा में मजीद इजाफा, 1 साल से बढ़कर 4 साल, 10 लाख रुपए का जुर्माना भी बरकरार, ट्रिब्यूनल ने सजा में नरमी की अपील मुस्तरद कर दी। प्रोफेसर ने घुटने टेक दिए, क्रिकेटर मोहम्मद हफीज कहते हैं कैटेगरी बी हो या ई पाकिस्तान के लिए खेलने को तैयार हूं, बी कैटेगरी में शामिल करने पर बोर्ड से थोड़ा खफा भी हूं, ट्विटर पर इजहार। ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन, गलियों और बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार, मार्केटों में मिली नगमों की गूंज, हर कोई जश्न आजादी धूमधाम से मनाने के लिए पुरअज़्म।
और आजादी का जश्न, हर कोई तैयारियों में मग्न, बसारत से महरूम, बच्चों का जोश व जज्बा दीदनी। गवर्नमेंट स्कूल ब्राय ब्लाइंड के तलबा की मिली नगमे गाने की भरपूर तैयारी। लाहौर ग्रामर कॉलेज के नयाल कैंपस में भी यौम आज़ादी की तकरीब, तलबा की शानदार परफॉर्मेंस। अल्हम्ब्रा आर्ट्स काउंसिल में जश्न आज़ादी के हवाले से कल्चर शो का इनेकाद।